गाइस, आई एम इंदु, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज बॉडी लोशन। ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन कलर को दो तीन शेड जो है इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी पूरी बॉडी को ये इवन बनाएगा। यानी हमारा क्या होता है, बॉडी जो है अनइवन दिखती है, अनइवन होती है, यानी कहीं का कलर अलग होता है, कहीं का कलर अलग होता है। अनइवन स्किन को ये इवन करेगा, यानी आपके कहीं पर भी दाग धब्बे हैं स्किन पर, पूरी बॉडी पे, कोई भी बॉडी पार्ट पे आपके दाग धब्बे हैं, तो उसको ये ठीक करेगा। उस दाग धब्बे को पहले हल्का करेगा, फिर उसके बाद में ये ख़त्म करेगा, यानी उसको ये बिल्कुल ठीक कर देगा। रंगत को निखारेगा, यानी आपके रंगत को ये गोरा करने के भी काम आता है। बिल्कुल ही रंग बिल्कुल आपका गोरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट दो तीन शेड आप अपने कलर को जरूर इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी पूरी बॉडी को इस बॉडी लोशन से आप अपने दो तीन शेड इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइज, ये बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इससे आपकी स्किन जो है हेल्दी हो जाएगी, और गर्मियों में तो आपकी स्किन पे जान डाल देगा। ये गर्मियों के लिए भी है और सर्दी के लिए भी है। ओके, तो गर्मियों में कैसे यूज़ करना है, सर्दियों में कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूंगी। ओके, इस समय मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ, बट अगर सर्दियों में आप बनाओगे तो उसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी स्किन में जान डाल देगा, आपकी स्किन को हेल्दी बना देगा, आपकी स्किन को ग्लो कर देगा, यानी हर प्रॉब्लम जो स्किन की होती है वो सॉल्व होगी। हम पूरी बॉडी पे, हम फेस पे सब कुछ अप्लाई करते हैं, पर बॉडी पे हम कुछ अप्लाई नहीं करते। ओके, एक ऐसा बॉडी लोशन हमें अप्लाई करना चाहिए जो हमारी स्किन को हेल्दी रख सके, हमारी स्किन को इवन कर सके, हमारी स्किन के रंगत को निखार सके। तो बहुत अच्छा बॉडी लोशन है गाइज, आप इसे ज़रूर बनाइए, इसे यूज़ कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए 2 ऑरेंजेस। ओके, तो 2 ऑरेंज का हमें क्या है, हमें ऑरेंज पार्ट ही चाहिए होगा। ओके, इसका वाइट पार्ट आपको नहीं लेना। वैसे वाइट पार्ट किसी किसी को इचिंग हो जाती है वाइट पार्ट से, वाइट पार्ट आपको उसका नहीं लेना है। तो इसको हम घिस लेंगे। ऑरेंज आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, आपकी रंगत को निखारेगा। बहुत अच्छा होता है ऑरेंज। ओके, तो 2 ऑरेंज के मैंने जो है आउटर पार्ट, यानी ऑरेंज जो ऑरेंज पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है। आप देख रहे हो किस तरीके से हम मैंने निकाला है, तो आपको भी ऐसे निकालना है। अब इसमें हम गाइस 2 ग्लास वाटर का ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल वाटर है। ओके, तो आपको सिंपल वाटर इसमें ऐड कर देना है। अगर फिल्टर वाटर हो तो और भी अच्छा है, बट फिल्टर वाटर नहीं है तो सिंपल वाटर ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऐड करेंगे, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए फ्लैक्सीड। तो फ्लैक्सीड तो इसमें आपको जरूर ऐड करना है। फ्लैक्सीड तो अपने घर पे लाके आप रखिए, बहुत अच्छी होती है। तो गाइज, अब हम इसे बॉईल करना है, आपको 10 मिनट तक से बॉईल करना है। पहले हाई फ्लेम पे इसे कर देना ताकि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद में फिर आप इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे पकने दीजिए। ओके, अब ये बनके हमारा तैयार हो गया है। इसको आप ऑरेंज का जेल भी कह सकते हैं, ऑरेंज फ्लैक्सीड का जेल भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हम निकाल लेंगे। ये हम क्या है, हमें एक पतला सा कपड़ा चाहिए, और हैंकी वगैरह भी हो सके, कोई भी आप सूती कपड़ा जिससे हम छान सके, वो कपड़ा आपको लेना है और अच्छे से इसको अपने हैंड वॉश कर लेना है। और हैंड वॉश करने के बाद में, क्योंकि हाथ से ही निकले कोई चीज से नहीं निकलता है, तो आप अच्छे से इसको निकाल लीजिए। और ये मेरा बहुत बनके, बहुत ज़्यादा बनके तैयार हो गया था। मेरा काफ़ी सारा बन के तैयार हो गया है। ओके, तो गाइज अभी देखिए, अब हमें चाहिए इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल। 2 विटामिन ई के कैप्सूल हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, ये मैं 4 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। मैं इसमें कोकोनट ऑयल का ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल का अगर मैं इसमें ऐड करूँगी, यानी हम इसमें अगर कोकोनट ऑयल का ऐड करेंगे तो हमें इसे फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में कोकोनट ऑयल जम जाता है। तो कोई भी चीज़ जो आप फ्रिज में रखिए तो उसमें कोकोनट ऑयल ऐड मत कीजिए। कोकोनट ऑयल लगाना है तो आप अलग से यूज़ कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ फ्रिज में रखनी है, यानी DIY जो हम फ्रिज में रखते हैं उसको उसमें कोकोनट ऑयल को ऐड नहीं करना है।
तो 4 स्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप मिक्सर में इसको मिक्स करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैंने मिक्सर में मिक्स नहीं करा क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था। ओके, तो मैंने इसकी हेल्प से मिक्स कर लिया। काफ़ी टाइम लगेगा इससे, अब मिक्सर से फटाफट से हो जाता है। अब इसको हम क्या है, हम बॉटल में फिल कर लेंगे। ओके, तो हमारा बॉडी लोशन ये बन के तैयार हो गया है। बट अगर आपको ठंड में बॉडी लोशन बनाना है तो आपको इसमें 3 स्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर लेना है और 2 स्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। उन सभी को मिक्स कर देंगे और ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप ठंड में बनाते हो तो, गर्मी में बनाते हो तो इतना जो मैंने डाला है ये इनफ होगा, कि गर्मी में इतना बहुत होता है ऑयल। ओके, तो ये बनके हमारा रेडी हो गया है। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये आपके स्किन के कलर को बहुत इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, स्किन को ग्लो करेगा, कि स्किन जो है शाइन करेगी अगर आप इसे डेली बेस पे यूज़ कर रहे हो तो। ओके, आप इसे डे में यूज़ कीजिए, आप इसे नाइट में यूज़ कीजिए, नहाने के बाद तो इसे ज़रूर यूज़ करना है, बट अगर आप इसे 2-3 बार भी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप हैंड वॉश करो तो आप हैंड पे भी यूज़ करो। ओके, और बाकी बॉडी पे तो इसे यूज़ करना है। अगर आप इसे फेस पे भी यूज़ करना चाहते हो तो फेस के लिए बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि फेस के लिए नहीं है, फेस के लिए भी अच्छा है, बट बॉडी पे हम कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करते तो बॉडी हमारी डल लगने लगती है। तो बॉडी भी डल नहीं लगने चाहिए ताकि हम सारे आउटफिट्स में अच्छे लग सके। तो आई होप गाइज मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर रहे हैं, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उससे जरूर दबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।